तब से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के अंदर बंटवारे को लेकर जो वर्गीकरण का लेकर फैसला आया है, और इस फैसले को आने के बाद काफी ज्यादा हलचल है, वो तेज है। अलग अलग अनुसूचित जाति के अंदर भी काफी ज्यादा आक्रोश है इसको लेकर। लोगों के अंदर ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति को बंटवारे का ये कानून है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। 2006 के अंदर एक जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पंजाब के अंदर, उन्होंने ये फैसला लेकर है वो आए थे कि कुछ जातियों को आरक्षण के अंदर बंटवारा करके जाति के आधार पर अनुसूचित जाति के अंदर अलग से आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर अनुसूचित महासभा ने उस समय पंजाब हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई थी, फिर पंजाब हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय तो इस पर एक तरीके से रोक लगा दी, लेकिन रिव्यू पिटीशन है वो दायर की गई थी पंजाब सरकार की तरफ से। और करीब 13 साल बाद इस मामले के अंदर एक फैसला आया, और उस फैसले के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो एससी एसटी का आरक्षण है उनके अंदर बंटवारा होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरा काम है वो कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब के अंदर 2006 में उस समय ये शुरू हुआ था। और अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर, जब आपको बता दें कि ये फैसला आया है। कुल मिलाकर बीजेपी तो इस तरीके के मामलों को लेकर काफी ज्यादा आगे रहती थी, लेकिन इस बार संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और अनुसूचित जाति जनजाति के एक बड़े तबके ने बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, रामदास अठावले, प्रकाश अंबेडकर जैसे बड़े दलित समाज के नेताओं को भी त्याग कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी जैसी राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया था। लेकिन अब इन राजनीतिक पार्टियों ने इन लोगों से हाथ दूर कर लिए और एससी एसटी वर्गीकरण के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस मामले को लेकर एससी एसटी वर्गीकरण के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, साथ ही कांग्रेस पार्टी भी इसका ऐलान कर चुकी है। तो एक तरीके से साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के इस आरक्षण वर्गीकरण का शुरुआत से ही साथ दिया है, यानी कि इस आरक्षण का जो वर्गीकरण का फैसला है, अनुसूचित जाति जनजाति भले ही इस मामले में डरी हुई है लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती है कि इस आरक्षण के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मामले में स्पष्ट रूप से देखना होगा कि आगे जाकर इस मामले में क्या